औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसबुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। मेरे अल्लाह, आप एक ही हम पे काफ़ी हो, क्योंकि आप बेहतरीन कारसाज हो। अल्लाह ताला दे पाक नाम तुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और करोड़ा लखन दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी आली मरतबत ज़ात ते, ते तमाम हाजरीन महफिल, तमाम हाजरीन मजलिस नू इस नाचीज और इस खाकसार दी तरफों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अगे भी एक गल की एक जगह ते, आज मैं अगर वो न करा तो मैं जरा भार महसूस हो सी दिल से। मैं एक गुजारिश करे सा, बड़ी मुद्दबाना तरीके नाल बात करे सा। मैं पता लेट हो गया तो मसे हर कोई बैठा, ये मेरे नाल थोड़ी जी ज्यादती हो गई। मैं अपने दुखड़े सुनावने हैं, मेरे सुनने तो पहले सारे जड़े हो मसे साढ़े भरा भाई बैठे हो। गुजारिश एवे जेले कुरान करीम की तिलावत होवे, खुदा का ना इन्हें खामोशी इख्तियार की करो। मेरे वड्डियां भी ते मेरे निक्के हो, मैं तुहाडे अगू हाथ जुड़ी ना। कुरान शरीफ की एक आयत का मफहूम है कि ये इतना वजनी और बाबरकत कलाम है कि अगर असा इसनू पहाड़ ते नाजिल करा वो रेजा रेजा हो बन जा। खुदारा ये एक साडा बन गया वतीरा तरीका। अच्छी बात है कि असा कलाम पाक नाल अपनी आम तौर पर तकारीब का शुरू करी ने, लेकिन एक गल्ला दुनिया दियारी दियां बाद इच प्लीज जेड़े कुराने पाक दी तिलावत होई करे, खुदारा खामोशी नाल वो अल्लाह दा कलाम है, वो वही है, वो साडे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक दी आखरी वही है। इस वास्ते वो एहतमाम नाल सुनो, दे आदाब होंदे न कुछ कुछ साडे नौजवान बच्चे इस दे विचों करींदे न। मैं मुतबाना इल्तिमास करींदा पिया, दिल नूं भारा लगा लगदा बाज़ौकात रह नहीं वेंदा। मैं चाचे मजीद होरां ते अपने पितरेरां दा मेरे कोई नहीं अल्फाज के मैं किवें उन्हां दा शुक्रिया अदा करा। मैं तहे दिल नाल तमाम बिरादरियां दा, हडाली दी तमाम बिरादरियां दा, जिन्हां दे मैं ना लेवण लगा तो अलहमदुल्लाह ते काफ़ी सारियां बिरादरियां बसदियां इस ना चीज़ कारण माणे माण आखसा। मेरा फखर या मेरा क्लेम है, मैं तुहाडा पुत्र हां भरा, हिक हिक बिरादरी मेरे कण बे इंतहा मोहतरम है। और अगर किसी हिक बिरादरी का भी मैं ना लेवण तू सेवन इंसान ना मिस कर वजा तो यकीन करो मैं अपने आप नू माफ ना कर सकसा। इस वास्ते मैंने इस गल ते प्लीज महसूस ना करे। हडाली ही गुलदस्ता, हडाली गुलदस्ता जिदे विच मुख्तलिफ बिरादरियां मुख्तलिफ फुल मिलके अल्लाह पाक इस वसेब नूं गुलदस्ते की शक्ल बनाया होया। सो जितने भी अहबाब इत्थे तशरीफ ले आए, जिन्ना मेरे मोहसिना साडे मोहसिना ए तमाम मुनक्किद कीता जलसा, जेड़े तशरीफ कह वजह तू नहीं ले आ सके, लेकिन मैं मालूम है कोई नली बन्ना वदा मोटरसाइकिल ते को किदा ही नाड़ी, खुदा तो निस्तां देवे असन पता ही नहीं लगे बने वदो। मेरे ता लू लू मैं जज्बाती आदमी हाँ थोड़ा जा। अज जिस तरह पावर शो ने कीता दावे नाला था कि लोग करी देन वंगारा करके मलुक बहादुर साढ़े हडाली दे बिराएं। मेरे बिरावा दो चार साथी संगियां तू इलावा भाई हसीबुर खलोते, हसीब भाई ये कोई वंगार नहीं है, ये हडाली है, देखे पावर शो इसको कहते हैं, पावर शो इसको कहते हैं, गैरत इसको कहते हैं। मैं चार तीन महीने मैं आदत नहीं, मैं तो सवे के उसी लोग में तू बोर हो वैंदे इनके, मैं जनाब मौले जट वाली तकरीर करा जलसे खलो के दो हिते गाली दो हिते गाली उवा कट सकदे जेड़े सुन भी सकन। अल्लाह आसान माफी देवे, साड़ी तरबियत नहीं। मैं आज यकीन कर लो पता नहीं कल मैं थे कई लोग हसन, लेकिन बाखुदा मैं आज अपने भरावान दा अपने मोहसिन दा शहर दे बासियां दा जोश रस्ते ते चौधरी साहब जेड़ा आई बाखुदा मैं रोवण आ गया, बाखुदा मैं रोवण आ गया। अल्लाह थोड़ी इज्जत बुलंद रखे। मैं जेड़ा कुछ भी है शहर तासुब की बिना ना पे मैं अर्ज करींदा, शहरी लिसानी मजहब मसलक इस तासुब ते जेड़ा बंदा सियासत करींदा वो बहुत गंदा उदा जेन है। किसे तासुब ते किसे शहर ते तासुब की गल ना पे करींदा, लेकिन एक गुजारिश करे सा
मेरे मां बाप कुर्बान उन्हां दे कुत्तें दे पैरां दी खाक ते मेरे नबी जिहड़े अपना घर छोड़ी बैंदे हन ना रवायत है कि मुड़ मुड़ के मक्के दे रवे थे मुड़ मुड़ के मक्के दे रवे थे और रहमतुल लिल आलमीन बना के आए ओ सिर्फ मक्के का रहमत नहीं अल्लाह पाक उन्हां बनाया पूरे आलम आलमीन का रहमत है लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुड़ मुड़ के मक्के दे रवे थे ते तू साबित होया के तासुब नहीं शहर ना लगाओ मेरी मोहब्बत मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह दी तरीकियां दे विचों एक तरीका पड़ोसी दे उसे हवाले नाल तुसा जनाब वेख लो पड़ोसी दे जेड़े हकूक बयान करिंदे होया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर जोर दिता कि साहबा इकराम नु शक पै गया कि शायद पड़ोसी नु पड़ोसी दी विरासत च भी हक दे देवे ए तो हो गई शार वसेब दी गल अज दे नहीं असा जम्मण तू पहले दे जिस खानवादे जम्मिया ना जी अगर साढ़े रत्ती बराबर भी शर्म होवे रत्ती बराबर भी असं दो चार पांच खानवादे जड़े हाँ इस शहर दे जितने बल्कि सारे ही लोग जड़े असं तो इस शहर ते मोहब्बत का कर्ज ला ही नहीं सकते जेड़ा कुछ थोड़ा बहुत जिंदगी दे विच बजुर्गों को हो आया जिदा अज जिक्र होया यकीन कर लो असा जिक्र ही कदे नहीं कीता जे कुछ होया वो थोड़ा असाड़ी साड़ी शाह रग भी कट के शहर ते लग वंजे वो भी थोड़ी असान जेड़े ए हुण गल्लां विच हुंदियां पईयां मैं बेरबत हो गया मैं कुछ सोचियो है भाई इन करेसा लेकिन लेट होवण दी वजह तो मैं चाहना मैं जल्दी करा गल्लां भाई जी जेड़े साडे उत्ते पार्टी का बहुत ज्यादा प्रेशर आई तो उसले मैं बहुत आजजाना तौर पर उन्होंने गुजारिश की थी कि यह मेरा फैसला नहीं मैं शहर ते ना अपने बिरावां ते बिरादरियां दा पाबंद हाँ मेरिया वह पाबंद नहीं ये हुण फैसला मेरी जात तों अगर निकल चुका मेरा शहर हुण मैं कन्न च नप के बाहर छोड़े मैं बह रहा सा जो मेरे मेरी अनाज जिद कोई नहीं अगर मेरिट नहीं बनता साडे नाल व्यापार च बनाओ अगर उन्हें फरमाया कि असा व्यापार दे इखलाक दे हर हवाले नाल असा तुहाडे अगू साढ़े कोल गल कोई नहीं करन वाली तो मैं आख्या बाहर बंदे बैठे साढ़े भरा न असा तू ज्यादा मोहतरम इन बाहर 70-80-100 बंदा चीं भी हाँ इतने तकरीबन हडाली दे वसनीक भी इकट्ठे कर मैं बाहर निकल के इन्हां दे नाल गल करूँ मैं इन्हां दा नौकर हाँ तुहाडा पाबंद कोई ना हाँ असा इज्जतदार लोग तो सब भोरा करे सो कख करे सो असा अपना घर ही साड़ के ला देवन वाले लोग एक एहसान के बदले ज्यादती करे सो एक वेरी संगत च दो वेरी संगत च यार तुसा असान तख्त मश्क बना लिया कि हर फेरी असा असा दे नाल ज्यादती की वजे एक काजी साहब होर गल पे फरमेंदे हैं मैं उसे थोड़ा जहा अगर वैसा शायद ये भी मेरी ख्वाहिश ही है अल्लाह पाक पूरी करे नफाक नफाक भाई जी हमेशा नफरत पैदा करींदा असा इस तू भी अग्गा वधां साडी इनफरादियत है कि असा एक जा दे उत्ते ईद पढ़दियां ये पूरी दुनिया च मुनफरिद गल है एक होर भी गल मुनफरिद है पता नहीं कितने इलेक्शन बलदियाती इत्थे इलेक्शन होए ही नहीं बिरादरियां दे सरकर्दा बजुर्ग बह रहे कोई किसी की रैयत नहीं ये बामी एहतराम हया शर्म प्यार है डाढ़े लोग तुसा अलहमदुल्ला तो डिपुण दिल्ली तीन 47 तो पहले मशहूर है लेकिन खुदा तो ने वस्फ दिता खुदा तो ने इतने वड़े दिल दिते बहर आते हैं बुजुर्ग वो आते हैं हर कौम वाइज या वड़ी वाइज और पता नहीं कितने साल इतने इलेक्शन ही नहीं होया अलिफ तू उस वार्ड का मेंबर है बुजुर्ग हुक्म दीने सारे मिलके बे तू उस कौम का जीम तू उस कौम का और मुनफरिद रिकॉर्ड है कि अडाली इलेक्शन तू बगैर चेयरमैन भी चुनी वा मैंबर ही चुनी वा मैं आदा मैं अर्ज करींदा प्या मैं चासा मेरी ख्वाहिश ए होसी कि वत हुआ मोहब्बत तो हुआ प्यार दोबारा तू उभरेन और इस घर दी इस शहर दी इंज होवे वो जड़ी पुरानी रवायत है वो अल्लाह करे वत बरकरार होवे नामुमकिन नहीं वो नामुमकिन नहीं वो असा ते आंदी जेड़े नु खुदा अगू लै या थोड़ा वड्डा बनाए ना जिगरे भी उस वड्डे करके बर्दाश्त करना पौंदा साडे उत्ते भी बहुत सारी चीजा इन फर्ज बाकी MNA MPA दे इलेक्शन 100% हाजी साहब भाई मोहम्मद मुश्ताक साहब की गल दे भाई जी और दी गल दी मैं ताईद करे सा कि अज ये नहीं कि मैं आइंदा वास्ते भी
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਆ ਕੇ ਸਨ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇ ਅਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਹਾਲ ਤੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਊਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਪੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵਧਾ ਜਾਂ ਕਿਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਡਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਇਸਤਤਾਤ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਪੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਇਸਤਤਾਤ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸਪੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਸਾ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਾਂ ਉਸ ਹੱਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਸਬਰਦਾਰ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਹਦੇ ਪੈਣ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਮਨ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੱਪ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਾਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਲਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਇਹ 17 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਵੈਸੀ ਇਹ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਰੀਏ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਬਿਰਾਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਫਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਨੇ ਮੰਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਦ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸਾਨ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਥੋਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰੀਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਬਾਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਘਾਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਉਹ ਯਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਉਹ ਦੇਣ ਬਗੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਮਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਈ ਪਾਉਂਦੀ ਬਸ ਹਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਬਣ ਵਜੋ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੇ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਜ ਲਵਾਈ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਬਾਂਧਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਜੀਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਖੀਮ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੁਸਾਂ ਚਾਵਣੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਚੂ ਜਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਚੂ ਕੋਈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਵਣਾ ਖੁਸ਼ਾਬੂ ਦਈ ਵਾਲਿਓਂ ਜਾਂ ਪਧਰਾੜੂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਵੈਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਾਂ ਅਸਾਂ ਅੱਗਾ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਸਾਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਸ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2018 ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ 90,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 90,000 ਦੀ ਦੂਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਲਬੈਕ ਪੰਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਯਾਰ 40,000 ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਓ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨੱਪ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਖਲਾਰ ਛੋੜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਮਾਮ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਣੇ ਵਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਵਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂਕਿ 90,000 ਵੋਟ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਸਟ ਹੋਏ 90,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਵੋਟ ਵੀ ਕਰੋ ਚਾਹ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰੀ ਨਾ ਪੰਜ ਬੰਦਾਂ 'ਚ ਔਸਤਨ ਵੰਡੋ 20-25 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 30-32-35 ਤਾਈਂ ਅਪਣ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰੀਂਦੇ ਤਾਸੁਬ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਗੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਮਾਤ ਉਹ 83 ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਹਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਨ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਇਹ ਲੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ
या कोई नून लीग का बिरा मेहरबानी करे तो सादे फलानी विकेट हमने गिरा ली, हमने पीटी नून की वो विकेट गिरा ली, हमने पीपल्स पार्टी की वो विकेट गिरा ली, जेले असाडा कोई परा बने तो विकेट नहीं डांदी, ओ शोदा लोटा बन वेंदा। ए इखलाकियात गिरी हुई गल नहीं करनी चाहिए। वो साडे भाई हैं, अज इलेक्शन है, असाडे को रिश्तेदार नहीं। मैं ये मेरी तरबियत है, मैं अपने घर च खलोता तो भाई बहादुर बैठे, मैं जज्बाती जा बंदा, मैं तो कमला जा बंदा, मैं तो गाटे पे वैना, तो इतने मैंने अल्लाह माफी देवे जो मैं इमरान खान देखूं ना कॉम्प्रोमाइज किया अपने शहर के हक के उत्ते, तो मैं नीथे केड़ा डर है, मैं भी मौले जाटर दो चार फकड़ कट सकता। लेकिन ये इंतहाई घटिया बात है, वो भी दहीवाला दिन साहब जिन्होंने उत्ते मैं तमीद बांधा दी, वह साहब दहीवाल शरीफ दहीवाला दिन दहीवाल पीपी 83 तू बाहर है भाई जी, पीपी 83 तू बाहर है, गो साडी पार्टी दे नहीं, ओ ए नून लीग दे। लेकिन संगा साहब दा घर दहीवाल है जेड़ा पीपी 82 है, जेड़ा कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून दिता वह भी 83 दा रहण वाला नहीं, जेड़ा कैंडिडेट दिता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वह तो कितों दा ही रहण वाला कोई नहीं ना जी, वह तो लाहौर रहा करमाला जेड़ा सन तोहफे च मिलिया जी। तीसरे कैंडिडेट एक मलिक मोहम्मद आसिफ बा साहब, वो खुशाब सिटी तू बिलोंग करी दे, हाँ खुशाब शहर साढ़े पीपी 83 का हिस्सा, तो यावा हडाली थोड़े पीपी 83 का हिस्सा, उस तो इलावा दोए पीपी 83 का हिस्सा कोई नहीं जेडे कैंडिडेट्स हैं। पीपी 83 मैं क्यों करी ना, जिमें अगे गल हो गई, एक बारी कैंडिडेट असन थाले चू दिता गया, एक बारी कैंडिडेट असन उतू दिता गया, मतलब के वे भाई ये जेडे 150 शहर 83 आने वो असन क्या तहरीक इंसाफ ये दी है मैसेज कि तुसा इतने ना ए लोग पूरे द पूरा बस ये भी अपने वसबे की आप नुमाइंदगी नहीं कर सकते। सर 4 महीने 3 महीने 5 महीने का इलेक्शन है, बड़ा औखा इलेक्शन है, ये बहु सारे वसायल बहु सारे मसायल, ये सारे बिरा जे तुरे वे वे मेरे कारण बच्चे बिरा वे, क्या तुसे जान दो मैं इतना बेशरम आदमी हाँ कि मैंने एहसास नहीं, बंदा मकरूज हो वेंदा लोगों की मुहब्बत का, लोगों के हयावान के वजन वध वेंदे गैरतमंद बंदे ते, वो तो पाप उत्ते जितना कोई चंगा करेंगे तो रूह मंगता मैं इस नाल ज्यादा चंगा करा, असर तो भाई नजबाजी बजदा से घोड़े बजा से शिकार लगे बहद्या से, ये जड़ा अपने आप न इस सूली ते चाड़िया, असा पाकिस्तान तरीक इंसाफ वगैरह नहीं, असा हडाली वास्ते वेखो नून लीग भी हडाली के कह बंदे नहीं ओबलाइज किया काफी अरसे तू, एक नु कीता ने 12-13 हज़ार वोट लेके हार गए हैं, आज वो भी वाते आते जी हडाली वाले के कर ले से, जनाब मैं तो ने गुजारिश करी ना हडाली वाले से काइश है कोई ना उसा, भला अल्लाह ताला सन तौफीक दीती, आज कैसे कैसे मुनाफिक आया हो गए। उमर असलम साहब तोड़े खिलाफ, मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह खान टिवाना साहब तोड़े खिलाफ, मोहतरमा सुमेरा मलिक साहिबा तोड़े खिलाफ, तसव्वर खान साहब मेरे मोहतरम मेरे बड़े रिश्ते मामे चाचे लगते बड़े भाई, ओ असाडे खिलाफ, संगा साहिबान असाडे खिलाफ, आसिफ बा साहिब असाडे खिलाफ, दसो यार मेरे भरावों हडाली वाले इतने जो तुसा कम अहम लोग हो, कोई रह गया जेड़ा तुहाडी मुखालफत दे जुड़ पिछे बाकी बचा, कोई सियासी ग्रोह कोई सियासी कुवत पूरे जिले खुशाब दी रह गई जेड़ी मुत्तहिद होके अपने अपने दो ग्रुपां जेड़ी तुहानूं टारगेट नहीं पई करींदी, ते वाता दिन हडाली वालिआं दे जी के वे 2-4 हज़ार वोट दे केस हन, असां ए गल गलत साबित करनी, इस दफा भी नहीं आइंदा वास्ते भी असा गलत साबित करनी। ए जेड़े हाथ नाप के तस्वीरां पिछे कहंदे मैं 2011 तों इहनां दे नाल हां, शुक्र करो अल्लाह ताला साढ़े ऐबत ते पर्दा पैंदा ते साढ़े दिल दे विच जिहड़ी नीत होनियां ओ सामने नहीं होनियां, नहीं तां इह एक दूए दे नाल अखीं च अख मिलावण दे नहीं, इन्हां चों किहड़े हन जिहड़े मैं हुण के दसां तुहानूं मजमे दे विच मैं के गल करां, इन्हां सिर्फ ए वे कि जीवें करो हडाली वड्डा शौर है वड्डा वसेब है, इस दे विचों किसे बंदे नूं जेड़ा जेन्युइन बंदा होवे इनू अग्गा ना आवण दिओ, क्योंकि शहर दे कुछ रवायात हैं, अगर साडियां जेड़े बेड़े रहे भी हैं तो अस नमाज एक जाते पढ़िया, साडे बिला मुकाबला चेयरमैनशिप इतनी लंबी पूरे पंजाब विच कहंदी नहीं, एक
मुश्तरका सोच की एक निशानदेही है ना जी, वह बड़े तेज हैं। मैं उन्होंने कोलू एक गल्ला सुनिया कि यार इन्हों शहर जरा सीम है इकट्ठा होवन का यूनिटी का, इन्होंने अगर मौका मिले तो हो सकता है। बाकी मौजा हडाली तुसा वेखो खालकाबाद तू भाईजान शुरू हों रोडे की चुंड ताई वेंदा उदू बुताले ताई वेंदा कमो बेश तकरीबन 40,000 किले का मौजा। अगर पीपी 83 के पीपी 83 के हल्के दे विचों तुसा कढो ना जी मौजा हडाली तो मेरे ख्याल 45% रकबा सिर्फ मौजे हडाली दा। और यार एडा वड्डा शहर हो के असन कोई पार्टी भी असन असाडा ड्यू शेयर न देवे तो मैं शहर के तासुब तू गल ना कह पे करींदा। जिहड़ी गिनती वाली सियासत है ना 1, 2, 4, 6 उस गिनती वाली सियासत जमहूरी जमहूरीयत जिन्हों तुसा दो उहदे हवाले नाल भी साडा जमहूरी हक बनदा। इन्हें बिरादरियां इतने वजन हैं, इतने हुजम हैं, इतनी रूट्स हैं। असा 1,000 साल तू ते साड़ियां कबरां यार ते तुसा सन बाहरों नप के बंदे ले आंदे हो। मुस्लिम लीग नून वाले बिरावां दी खिदमत जी मैं अर्ज करे सा वेखो नजरिया अपनी चाहते नजरिए मजरिए भी वैसे मैं होर भी गल करा नजरिए भी सारी पार्टियां दे असा जे वर्करां नूं इमोशनल ब्लैकमेल करन दे इन्हों की भी 99% सिवाय तहरीक इंसाफ के मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ते अपने इन्हों का नजरिया ए आखिर ते इन्हां सारियां दा नजरिया उगा बन जांदा। मैं कुछ वत लम्मा हुंदा पिया कुछ तहरीक इंसाफ के नौजवान दोस्तों ने नूं भी अर्ज करना चाहसा कि बल्ले का निशान एक अलामती निशान है। अलामतन ना मुसलमान आला रख के जनाब अली तुसा मुसलमान नहीं होवेंदे। पूरा एक तर्ज जिंदगी है जिन्हों तुसा डिसिप्लिन च लियावना पौंदा। असा 2011 तो तहरीक इंसाफ नाल कसत होछा बंदा हुंदा जिहड़ा गिणे बंदे दे तल्लुक और जर्फ का पत्ता ही तदन लगता जदन तल्लुक त्रुट वजे। साढ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उत्ते कोई दैन नहीं लेकिन जेडे मेडे जोराबाद खुशाब के जेडे साढ़े अहबाब हैं PTI के नजरियाती वर्कर ओ अपने दिल से अल्लाह नू हाजिर नाजर करके किसी तासुब विच आए बगैर अपने दिल से हाथ रख के अकेले अल्लाह नू हाजिर नाजर जान के ए दसन हसन उसलम हसन असलम नजरियाती या तुहाडे शहर का ए बेटा या बिरा हामिद महमूद नजरियाती। सर अलामती तौर पर बैठ के निशान मिल वजन क्या होके को मामिया चाचिया गलत बल्ले की अलॉटमेंट हो गई है बल्ले के निशान की असल वर्कर नहीं मिले। असल वर्कर आजाद इलेक्शन लड़े मुख्तलिफ निशान से वो जीते क्योंकि वर्कर जरा तलू समझदार आई वो उन्होंने पता है कि असल कौन है वो उदे टुर गए जेड़ा असल उन्होंने नजरियाती वर्कर आई उन्हें बैठ जेड़े अर्जी इन आए पैसे शैसे दे के ले टिकट उन्हें नहीं दिता उहा वर्कर दोबारा जित के गए तो उन्हें KPK की क्यादत को शर्मिंदा किया PTI की उन्हें आख्या भाई असा वर्कर आए असा आजाद जितया वर्कर साढ़े नाल खलोता दिलाओ असा वक्त PTI के आए बैठे असान भी अल्लाह पाक तौफीक दी तो अगे भी असा खैर इन्हों के खुदा जाने कितना एक एहसास है। मेरा ख्याल है अजीब पार्टी चीज़ा उत्तर ठीक ती वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं गल ज्यादातर इस तू करे सर घर घर के घेड़ी दड़े तो घेड़ी पार्टियां घर तो घर होंगे लेकिन तहरीक इंसाफ की जड़ कड़न वाला खुशाब के उमर असलम है जड़ कड़न वाला और एक दो इतने छोटे आदमी के जिन्हों का मैं ना लेवा तो मेरे ख्याल उन्होंने अहमियत वधावन वाली वो ही एक महाजर है कितों आया बैठा दूआ भी उमर असलम ने जो समझो चेला ही मैं आखसा होर तो कुछ ना आखसा जेड़ी साड़ी पार्टी की क्यादत है जड़ कड़ी उन्होंने उमर असलम इलेक्शन असा अपनी ग्रुप जेड़ा PTI दे विच आई मैं मखफी अंदाज नाल गल करे सा मेडल उत्ते तो बहुत सारे उन्होंने सारे दा मशवरा आई कि बहुत वड्डी ज्यादती जेड़ा पार्टी दे विच भी साड़ा ग्रुप आई अल्लाह दी शान है अजो मैन गदारा दे पैन ते अजो किसी होर दे हक दुआई खैरियां दे पैन ते अल्लाह दी शान है वह बल्ले नू समझींदे पैन वई हसन नू मिल गया बल्ला ते वई ओ यकदम को टीका लग गया ते नजरियाती बन गया 2011 दे विच तू लैके हुण ताईं साड़ा माजी ए इत्थे गवाह है मेरी ते नजर पई गुलाम अकबर आओ ना अगर लागो मैं तो ए सामने भाई और दी लाइट आई तो मैंने आओ इधर लागो बेटा अच्छा चलो ते ए पार्टी दी उस ताई है बाकी पावर शो शो वगैरह लोग करींदे ए पावर शो दे विच कोई वंगार नहीं सर किसे दी
और असान अगर अल्लाह ताला तौफीक दीती ना जी इंशाअल्लाह ताला उल अजीज असा माजी दी रवायात और अगर कुछ दिल आजारियां कह हवाले नाल भी हो गई असा वो रवायत खत्म करके एक मस्बत रवायत शायर दी पैदा कर सा और उस दे विच सर सब तू वड्डी गल हुंदी अपने आप नू सरेंडर करना। अगर असाथू बेहतर तुसा कोई बिरादरी भरा इन सारे साडे कोई बेहतर कैंडिडेट आंदा असा उहदे नाल हिथू नहीं दिलू सा इंशाला लेकिन अगर अगर वो उस क्राइटेरिया दे विच गलती नाल जेड़ा भी आ वजे असा वो मैं भाई मुश्ताक होर वाली गल भाई बलदियाती इलेक्शन च मैं चाहा एक पंचायत बने हर बिरादरी के दो दो चार चार अफराद तशरीफ रखें और अस दुनिया नू मिसाल देवा कि अस बगैर कंटेस्ट की अपनी कमेटियां बना लिया कोई नहीं गिव एंड टेक करनी पौंदी अगू टुरन कारण सर शहर नू इकट्ठा करन कारण कुछ कुर्बानियां देवनियां पौंदियां ने इतने बड़े मजमे च मैं पिया सियासी तौर पर असा हर कुर्बानी देवन कारण तैयार हाँ जिस नाल शहर का इतिहाद वधे जिस नाल शहर का प्यार वधे। ते मैं हुण ज्यादा भी आखा थोड़ा भी आखा गल हुण शहर दी है मेरे को बहुत आसान रस्ते हैं मैं सर विड्रॉ कर वञा कर सकता है चार त्राए महीने का इलेक्शन है बहुत सारी खबासत इस दे विच हुंदियां हर हवाले नाल बहुत सारे वसाइल भी दे विच खर्च हुंदे मैं लड़िया तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्करस की हक तलफी नू रजिस्टर करावण कारण लड़दा पिया ते दुआ दुआ मेन पार्टियां नू पीटीआई और पीएमएलएन नू हडाली जाए अपने वड्डे शहर नू हर दफा नजरअंदाज करन दे दे ओ गल वी उन्हां रजिस्टर करावण कारण लड़दा पिया कि नहीं बाबा इंज नहीं बे जिहड़ा छोटा वे असां ही वड्डा सारा शहर आ साडा भी हक बणदा चाहे परचियां दे हवाले नाल तुसीं गिण लो। अल्लाह पाक तुहानूं तो उत्थे राजी होवे साडे शहर के मसले मसायल अल्लाह करीम खत्म फरमाए अल्लाह ताला साडे नफाक खत्म फरमाए अल्लाह ताला साडे प्यार वधाए और अल्लाह ताला तौफीक देवे कि अज जिहड़ियां गल्लां करींदे पए आ बच्चे रिकॉर्ड करींदे पए हो से अजीज साडे इतने सारे मजमे नू सारे मुसलमान अल्लाह ताला नू इजतमाई तौर पर मैं अल्लाह पाक के अगू दिलू ए दुआ मंगदा कि मेरे अल्लाह मैन भी इन्हां मुहब्बतां दा कर्ज अदा करन दी ते मेरे खानदान नू तौफीक अता फरमाए। बाकी इलेक्शन दी कैंपेन दो महीने डेढ़ महीना अपनी जगह ते पोलिंग डे आला एक जड़ा दिन है वह अपनी जगह ते अज एक पोस्ट में पढ़ता पे कि जी फलाने खान मुहम्मद एहसान उल्ला खान दी दुआए खैर उदे देवन नाल हामिद होरा इलेक्शन दी रेस तू बाहर हो गए सर रेसा तू बाहर हो करींदा ओ जेड़ा उत्ते खलोता और मैं जेड़ा माण है माण तो नहीं अज माण तो कुछ होर लफ्स मैं मुनासिब नहीं पे जेड़ा आजजाना तौर पर मैन भरम में भरोसा अपने शहर ते अल्लाह दे अगू बड़ी आजी नाल मैं आज जोश जज्बा वेख्या था मैं दोबारा गल करी दब यकीन करो जिस वलवले नाल लड़के भरा बच्चे साढ़े उस पार्टिसिपेट में करी दे मैं दो बारी मेरी अखी तर हो गई और मैं आख्या मेरे बच्चों अल्लाह मेरी हयाती तो ला दे असा अयारी अयारी नू झूठ नू ए जड़ी सियासत है खत्म करना मैंने कई बंदे आते हैं तो सब आउटस्पोकन हो सीधे हो बोल पाते हो तो सियासत कान फिट कोई ने मैं उन्होंने ना सियासत इन्हें पलीता पलीत की सियासत ही सच्चे बंदे का काम और अगर सच्चाई दे तो सब पैसो तो सच्चाई नाल टुरसो तो सवाब भी है सतारा तारीख नू प्लीज कोशिश करो असा एक एक बंदा भी शहर तू बाहर ना इतनी तुहाडे हुजम इन माशाल्लाह एक 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 बंदा हडाली तू बाहर दा अपने नाल एक एक भी रला ला उन जी तो साडा इलेक्शन विन विन सिचुएशन बनदी ने। बाकी जिल्लत इज्जत अल्लाह पाक दे इख्तियार है टेस्ट और टाइम भी जेड़े ने जी वो टेस्ट भी अल्लाह ताला अपने उन्हां कोलू लैंदा मेरे ख्याल जिन्हां ने अहल समझींदा बहुत प्रेशर वाला इलेक्शन आई मैं थे बहुत प्रेशर आई मैं थोड़े ताकत ते अल्लाह पाक तकवीयत दिती खलोता और मैं बहुत ज्यादा माण है कि अल्लाह ताला असा सारे दी पग असा सारे दी इज्जत असा सारे दी आबरू नू महफूज फरमैसिन
और असा उन्होंने लोगों को एक हैरान कुन वोट दसा इंशाला जो यो कुछ इलेक्शन है शहर एक करके सही लड़ बना ना जी शहर तो अस इलेक्शन डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि खुशाब के उन्होंने वोट तकसीम हो पैने जोराबाद के पीटीआई के जेडे लोग जेडे नजरियाती लोग खुशाब ही बिल्कुल मैन क्लेम है कि वह साढ़े नाल उन्होंने हमदर्दियाँ शामिल हैं। हाँ कुछ नौजवान जेडे बिल्कुल नौजवान हैं नौखेज बच्चे वो शायद समझीने बैठ तो बैठ को उनको निशान मिल ओ भाई बैठ का निशान मिल जाने से बैठ कोई इंजेक्शन तो नहीं नहीं है क्या बेटा लगा दोगे तो बंदे के अंदर यकदम ईमानदारी और दयानतदारी आ जाएगी। मुझे पता है आए मेरे साथ बैठे मेरे साथ बहस करें मेरे साथ एक एक मीटिंग रखें मैं अपना केस रखता हूं वो अपना केस रखें आप सियासी चेले ना बने आप सियासी वर्कर बने। ये हमें खान ने सिखाया है कि गलत को गलत कहो गलत हुआ है दूसरी मर्तबा हुआ है आज मैं आऊं मेरे भाइयों कल पीटीआई का कोई और वर्कर होगा। ये हमें सरमायादार एवं इनकी टकटलियां ये पैसे वैसे दे के ले लेते हैं किसको नहीं पता कि ये टिकट बिके मैं पब्लिकली कह रहा हूं चाहे मेरे पे कल पर्चा करा दें किसको नहीं पता कि इस टिकट में दो नंबरी हुई है 20 हल्के थे 20 के 20 को बोर्ड ने जिनको जिन्होंने बोर्ड रिकमेंड किया ही 20 दी 20 टिकटा हुआ होयान सिर्फ दो टिकटा चेंज होयान एक बखर वाली उधर कोई पर्सनल इशू आई कुछ भी आई एक असाडे वाली वो चेंज कराई गई है ते असा हर वेरे चुप कर वेनिया असा सोचा भई ये बेवकूफी ना जी चार महीने के इलेक्शन ते इतने वसायल ते तमाशा तू तू मौसम वेखो लेकिन जिथे आ वजे पग दी गैरत दी गल उत्थे इस वस्बे जिस असान सारी उम्र अल्लाह तुहाडियां इज्जत बुलंद करे इस जहान भी उस जहान ही साढ़े बुजुर्गों की भी कंड कजी जेले ये गल आ वजे ना कि उत्थे गल होए कि अडाली वाले ते ए मैं हकीकत आ ते पे ए बड़े वड्डे पीटीआई दे कुजे नो असन बद दिल करन कड़ा दे अडाली 2-4 हज़ार का केस है खुदा दी कसम है मैंने उस गल तू चेड़ आ गई मैं क्यों ना सा पीटीआई जे मर्जी आ के सुन अडाली दा इलेक्शन करके लड़ना और इन्हां दसना अडाली गेम चेंजर है मेरे चन्नो ए गेम चेंजर है। बाकी मलिक आसिफ भा साहब दी खिदमत विच गुजारिश आई के जनाब तुहाडा हलका अगर तू साढ़े नाल सूबाई हलका नहीं रहा इस शहर च तुहानूं बड़ी सपोर्ट मिली चार मरतबा या त्राए मरतबा तुहानूं मौका भी मिलिया ते असाडी बन गई आई जिद जिद हडाली शार शार दी तुसां चेतरो के साढ़े उत्ते तुहाडा तक हलका ही नहीं रहा जो साढ़े नाल मेहरबानी करो ते जेबरे शेबरे हर मंजे ना मगर तुहाडी मर्जी ये जेडे वड्डे वड्डे थूथण जाए आए वे दिन कि तू ठीक है वो अगर साढ़े नाल मेहरबानी चा फरमैन आ तो अस सारा शहर सारी जिंदगी उन्होंने मकरूज भी अगे भी खैर लोग उन्होंने इतनी फॉलोइंग है मैं उन्होंने एहतराम करीना उन्होंने दोस्तों का एहतराम करीना लेकिन साढ़ा अगर तू साडा हलका तो जनाब और हलका ये नहीं तो कड़े हो अगर अस इन करें आ जाए तो हडाली दे तो सारे लोग उन्होंने अगू बद सियासी तौर पर विक ना से गए लेकिन उन्हें जिद बना के की ए न जिते ना जेने पार्टी चेंज की न जिते ना वो जेडे कदू दुए पीपी 82 दे विचों तशरीफ लैन ए मैं उन्हें जराए मजाक आता पिया उन्होंने जमहूरी हक है साढ़े भाई हैं बिस्मिल्ला कंटेस्ट करें लेकिन अपने शहर वाले नाक सा मेहरबानी करो जो अगर असं कदा शहर के खिलाफ किया तो साढ़े कान चु भद ले व्या हूँ गले च फिट जो आ गई है तो अपना इलेक्शन बना के निभाओ तो वह एक बार हडाली हडाली कराओ। अल्लाह पाक तुम इज्जत देवे अल्लाह पाक मुंतजमीन सारे रण खली सारी बिरादरियां मैं कहना ना लेवा कहना नहीं लेवा अल्लाह पाक तुहान इज्जत देवे और अल्लाह पाक साढ़े मुल्क इस्लाम का बोलबाला फरमाए और नेक लोगों तौफीक नेक लोगों अल्लाह पाक करे कि वह साड़ी नुमाइंदगी करें जिन्हें अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह पाक का तरह और खौफ भी हो बहु मेहरबानी अल्फाज कोई नहीं बर्दाश्त करन दे इस गर्मी बड़ा तू सब जिगरा विखाया बड़ी मेहरबानी बर्दाश्त कीते ने क्योंकि मेरे को वो पुरजोश तकरीर होंगे ही नहीं तो इस वास्ते लोग खुश होंगे अल्लाह गुले ते मैं तो 2-4 गुजारशात करनी है पार्टी के हवाले नाल शहर के हवाले नाल आइंदा के हवाले नाल और जेड़ा ना बामुण शामुण वो इंजे कि उन्होंने गिट्टे गोड्या तो बिरा बह गया इलेक्शन च नहीं बैठ बहुत मेहरबानी।